हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द सिक्स क्लास चैप्टर्स गूस चेज। तो डे स्टूडेंट्स, अभी तक आपने क्या देखा कि वो चारों स्टूडेंट्स इन गूस गीस को बचाने में जो है ना लग जाती हैं और उनको कहीं छुपा देती हैं। पहले अपने ओवर कोट में छुपा लेती हैं, फिर जो है ना उनको कहीं झाड़ी के पास छुपा देती हैं और ऐसा करते हुए वो एक बार पकड़ी जाती हैं। तो उनका सामना जो है ना सिस्टर स्टेले के साथ सामने हो जाता है। Now let's read the stanza. That's enough, a sharp authoritarian voice lashed out. The girls looked up with dread. इसके बाद एक बहुत ही तेज़ी से एक ऑडिबल आवाज़ सुनाई देती है। सभी बच्चियाँ रुक जाती हैं और कांपने लगती हैं। Dread means tremble. Sister Steele stood in the doorway, tall of unapproachable. This was pin drop silence for a few seconds. और इसके बाद कुछ समय के लिए जो है ना साइलेंस हो जाता है, क्योंकि सिस्टर स्टीले उनके सामने प्रेजेंट हो जाती है। देन एज वैलेरी एंड विनीता व्हील्ड राउंड, तभी वैलेरी और विनीता राउंड जब करती हैं, घूमती हैं, देयर प्रे फ्लैट कैकलिंग लाउडली टू सेफर पोस्चर्स, सिस्टर स्टीले लुक्ड स्टर्नली एट देम। तो तभी ये कैकलिंग की आवाज़ जो है ना होती है और उनके जो प्रे हैं वो फ्लैट हो जाते हैं, मतलब गिर जाते हैं। तो बड़े ही स्टर्नली स्वभाव में जब वो देखती हैं, स्टर्नली हियर मींस होता है इन अ सीरियस वे, अ लुक ऑफ डिसअप्रूवल। नाउ व्हाट इज दिस अबाउट, शी आस्क्ड इन अ क्वाइट आइसी वॉइस। बहुत ही आराम से वो पूछती हैं कि अब ये क्या है, योर आइडिया ऑफ फन इज इट, क्या तुम्हारा आइडिया मजाक करने का था। देयर वॉज अ डेथली साइलेंस। अब वहाँ पर पूरी तरह से भयानक सन्नाटा छा जाता है। फ्रॉम इनसाइड बीनास कोर्ट्स मार्को पोलो गेव एन इंडिग्नेंट स्क्वैक। उसी समय जो है ना एक बहुत ही एंगर भरे स्वर में एक आवाज़ आती है, इंडिग्नेंट स्क्वैक की आवाज़ आती है। मार्को पोलो जो उसके अंदर था, तो बीना डंप्ड हिम ऑन द ग्राउंड। उसी पल बीना उसको नीचे फेंक देती है। ही शूक बैक हिज रफल्ड फीदर्स इंडिग्नेंटली एंड टर्न्ड ऑफ। तो वो जो है ना जैसे ही नीचे गिरता है तो अपने फीदर्स को हिलाता है और वहाँ से निकल लेता है। तो नीसी पुट एमंडसन डाउन एंड ही टू वेडल्ड ऑफ। तो नीसी जो है ना एमंडसन को नीचे रखती है और वो भी चला जाता है। सिस्टर स्टीले सैड स्टर्नली। अब बड़े ही पोलाइटली सिस्टर स्टीले उनसे बात करते हो, क्या कहते हैं, सो व्हाट्स योर एक्सप्लेनेशन। अब अपना एक्सप्लेनेशन दो, बताइए क्या है, ये क्या था। द फोर ऑफ देम एक्सचेंज ग्लांसेस। सभी ने अपनी अपनी नज़रें या आँखें घुमाई। वी डिडंट रियली मीन टू सिस्टर स्टीले, मेरा इस तरीके का बिल्कुल भी करने का विचार नहीं था। सभी कहते हैं वी जस्ट थॉट इट वॉज क्रूअल, वी वर सो फॉन्ड ऑफ, हमें तो ये लगा कि वो बिल्कुल क्रूअल है। वो किन को बोल रहे हैं, वो जो कुक्स के मुँह से जो उन लोगों ने सुना था कि उन्हें वो स्लॉटर हाउस ले जाएंगे, उसको मार के जो है ना वो क्रिसमस का जो है ना वो फीस्ट बनाएंगे। इट्स नॉट फेयर टू ईट देम, वी लव देम सो मच। वो कहते हैं कि ये अच्छा नहीं कि उनको खा लिया जाए, हम उन्हें बहुत ज़्यादा चाहते हैं। आफ्टर ऑल थ्री आर सो मैनी अदर एनिमल्स इन द होल वर्ल्ड, वाई ईट दीज, तो उन्हें क्यों खाया जाए, इतने सारे एनिमल्स संसार में जो है ना है। सिस्टर स्टीले रेज्ड वन हैंड्स टू साइलेंस देम, वन ऑफ यू एक्सप्लेन। तो सिस्टर स्टीले सबको साइलेंस करते हुए कहती हैं उनमें से कोई एक हमें एक्सप्लेनेशन दो, सभी मत बोले। रेस्क्यूइंग देम, सिस्टर स्टीले रोड विद लाफ्टर, व्हाट एवर गेव यू गर्ल्स द आइडिया वी वर गोइंग टू किल एंड ईट देम। तो उसने कहा हम उसको बचा रहे थे। तो सिस्टर स्टीले फिर बहुत तेज आवाज में बोलते हैं और हंस जाते हैं, क्योंकि तुम्हें किसने कहा कि हम इनको मारने वाले हैं। सर्टेनली नॉट, बिल्कुल नहीं, दे आर योर्स टू प्ले विद एंड लुक आफ्टर, ये आपके हैं, आप इनके साथ खेल सकते हैं, इनकी देखभाल कर सकते हैं। थैंक यू सिस्टर स्टीले फॉर रिलीव्ड वॉइस सिंगिंग अ चोरस। सभी लोग एक साथ सिंगिंग वॉइस में बोलते हैं और उनको सिस्टर स्टीले को थैंक करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर जिसमें आपने देखा कि किस तरीके से फॉर स्टूडेंट्स जो है ना उन वर्ड्स के प्रति उनका एक अफेक्शन, उनका एक लगाव रहता है और अंत में वो सभी जो है ना उनको बचाने का प्रयास करते हैं। और उनकी जो टीचर्स थी
वो भी उनकी पूरी हेल्प करती हैं और बाद में उनको समझाती हैं कि ये कि एनिमल्स को किल करना या मारना जो है ना किसी भी कानून या किसी भी जो है ना रिलीजन में नहीं है। तो वो सभी सेटिस्फाइड हो जाते हैं और उन्हें उनको वो थैंक्स कहते हैं। तो ये था आपका चैप्टर। नाउ लेट्स डिस्कस सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स। हालांकि मुझे ये पहले बताना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, आप वीडियो को फॉरवर्ड करके जो है ना इसको आप देख सकते हैं। तो वेडिंग, वेडलिंग यहाँ पर है, वॉकिंग विद शॉर्ट स्टेप्स लाइक अ डक, सडनली इन अ काम एंड रिलैक्स्ड वे, बहुत ही शांति से, बॉबिंग मूविंग फास्ट, तेजी से चलना, स्लॉटर टू किल एनिमल्स फॉर मीट, डी डे अ डे ऑन विच समथिंग इम्पॉर्टेंट हैपन्स और इज गोइंग टू हैपन, मतलब कोई इम्पॉर्टेंट डे जो कुछ होने वाला होता है, लंस्ट मेड अ सडन मूवमेंट टू कैच समथिंग और सम, किसी को पकड़ना, स्क्यूरिंग रनिंग विद अ क्विक शॉर्ट स्टेप्स, कंस्पियसली इन अ वे दैट इज ईजी टू नोटिस, मतलब कोई चीज छुप ना पाना, बहुत ही आसानी से नोटिस हो जाना, अथॉरिटेरियन स्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा कड़क, ड्रेड अ फीलिंग ऑफ फियर, बहुत ज़्यादा डर हो जाना, वेल्ड स्पन अराउंड, ट्रेंडलेट मूव स्लोली एंड नॉइजली, स्टर्नली इन अ सीरियस वे अ लुक ऑफ डिसअप्रूवल, इंडिग्नेंट फीलिंग और स्वइंग एंगर बिकॉज यू हैव बीन ट्रीटेड शॉर्टली। तो डे स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे क्वेश्चन आंसर और तमाम जो एक्सरसाइज है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।